दीदी इंडियन नेवी का वारशिप है, जैसे इंडियन नेवी का वारशिप फंक्शन करता है। सी में करता है, मगर हम लोग यहाँ छोटा तालाब बनाकर रिपब्लिक डे कैंप में कंपटीशन, बच्चों का ऑल इंडिया लेवल से का कंपटीशन होता है रिपब्लिक डे कैंप में। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए 26 जनवरी महज कुछ दिनों में ही आने वाला है और जिसको लेकर तैयारियां जो है वो अभी से ही देखी जा सकती है। राजधानी पटना के नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कार्यालय में देखिए किस तरह से जो बच्चे हैं वो शिप्स का मॉडल तैयार कर रहे हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं है मगर तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। देखिए ये शिप्स का मॉडल जो है वो तैयार किया जा रहा है इन बच्चों के द्वारा, किस तरह से ये बच्चे काम कर रहे हैं, अपने हुनर को निखार रहे हैं और यही बच्चे जो हैं वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी जाएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ये अपने टैलेंट को दिखाएंगे, परेड भी होगी, देश के कोने कोने से जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बच्चे होते हैं वो भाग लेते हैं और उसी में बिहार के भी बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ सर हैं, हम सर से भी जानेंगे कि आखिर ये शिप का मॉडल जो है ये है क्या। सर थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये इंडियन नेवी का वारशिप है, जैसे इंडियन नेवी का वारशिप फंक्शन करता है वो सी में करता है, मगर हम लोग यहाँ छोटा तालाब बनाकर रिपब्लिक डे कैंप में कॉम्पटिशन, बच्चों का ऑल इंडिया लेवल से का कॉम्पटिशन होता है रिपब्लिक डे कैंप में और उसकी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से मॉडल बनकर दिल्ली जाएगा और उसकी तैयारी हो रही है। लगभग हम लोग 6 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। तो देश के पीएम भी इसे देखेंगे? हाँ हाँ, पीएम रैली में ये डिस्प्ले होता है। एनसीसी कैडेट्स के लिए 28 जनवरी को पीएम का स्पेशल प्रोग्राम होता है जो पीएम रैली के नाम से जाना जाता है और उस दिन पीएम आते हैं और एनसीसी डे को सेलिब्रेट, वहाँ एनसीसी कैडेट को उस दिन पीएम रैली होती है, हर डायरेक्टेड का टीम होता है। अच्छा। उसमें ये डिस्प्ले होता है मॉडल। देश के हर राज्यों से बच्चे वहाँ पर, देश के हर राज्यों से बच्चे आते हैं, बिहार से ये लोग जा रहे हैं और इसका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कंपटीशन होता है। अच्छा। जैसे पावर मॉडल का हुआ, सेलिंग मॉडल का हुआ, वीआईपी मॉडल एक होता है उसका होता है, तो उसमें 17 डायरेक्टेड के लड़के होते हैं और वहाँ पारितोषिक वितरण भी होता है फर्स्ट सेकेंड जो लड़के करते हैं। तो क्या लगता है सर, ये बच्चे अगर नेवी में जाते हैं तो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है शिप्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन अभी से ही उन्हें मदद मिलने लगती है? ये जो एडमिशन लेते हैं लड़के 3 साल होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उसी तरह ये लड़के 3 साल के लिए एनसीसी में आते हैं और इनको शुरू से बेसिक चीज़ से लेकर एडवांस तक जो सी सर्टिफिकेट पास करते हैं वो एडवांस कैटेगरी में चले जाते हैं और वो जो ऑफिसर्स नेवी में होते हैं इनके पास भी हाफ ऑफिसर्स क्वालिटी आ जाती है, इतनी जानकारियाँ इनको मिलती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मुनेश्वर पांडे, शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर। और देखिए बच्चे भी यहाँ पर है, इनके ही हुनर को देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई देखेगा। आप जानते हैं कि 26 जनवरी आने वाला है, रिपब्लिक डे को लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और ख़ासकर एनसीसी का जो परेड होता है, जो मॉडल्स होते हैं वो देश के कोने कोने से दिल्ली पहुँचते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है कि ये शिप का मॉडल जो आप बना रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई देखेगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको मौका मिला है ये दिल्ली परेड में हिस्सा होने का। प्राउड फील कर रहे हैं? प्राउड फील कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। क्या बना रही है थोड़ा बताइए? अभी हम शिप बना रहे हैं और ये शिप का जो ऊपर का जो रडर होता है, रडार होता है, वहाँ पर ये नेट का काम करता है जो कि ऊपर से जो भी मिलता है हिंट हमें उसके सायरन के लिए। क्या लगता है देश के पीएम भी से देखेंगे तो अच्छा लगेगा उनको? या जरूर। आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा सर, उनके सामने हम अपना टैलेंट को प्रोवाइड सीट करेंगे। तो कब आप लोगों को जाना है दिल्ली? हाँ 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को जाना है। कितने दिन वहाँ रहते हैं आप लोग? 1 महीने के? पूरे जनवरी। तो परिवार से दूर भी रहते होंगे, परिवार की याद भी आएगी? बहुत आती है। अभी सर हम लोग कंटिन्यू कैंपिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत होता है, 1-2 दिन के लिए टाइम मिलता है घर पे जाने के लिए, फिर तुरंत आना पड़ता है। चलिए, तो देखिए ये वॉरशिप्स का मॉडल जो है वो बच्चे तैयार कर रहे हैं, इस वक्त हम पटना के एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कार्यालय में है और देखिए
अभी से जो तैयारियां हैं वो देखी जा सकती है। अलग अलग तरीके के शिप्स के मॉडल है, ये तलवार है, उधर D-63 मॉडल का लड़ाकू शिप्स है, इधर जो यच होता है वो है। यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल अभी तैयार किया गया है और इसी मॉडल को लेकर वहाँ पर जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई इसकी तारीफ करेगा। देश के कोने कोने से बच्चे जो होते हैं वो पहुँचते हैं और वहीं राजधानी पटना और बिहार के बच्चे भी पहुँचेंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव स्ट्रीम्स पटना।